आज जो मैं जिस फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहा हूँ 11 कंट्रीज में और लगभग पूरी इंडिया को इन्होंने कवर किया हुआ है, 350 से ज़्यादा स्टोर्स इनके ऑलरेडी ओपन हैं और कई कई सालों से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में ओपन हुए हैं, कुछ कुछ स्टोर्स तो इनके 15-15 सालों से चल रहे हैं। यदि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूँ, वी आर देयर इन मिजोरम, वी आर देयर इन असम, अ सिटी लाइक सिलचर, मणिपुर में हम लोग हैं, आइजोल में है, तो ये सब हम लोग पूरा मार्केट को कवरअप कर चुके हैं, छोटे छोटे गांव तक हम पहुंच चुके हैं। हम लोग फ्रेश फूड बनाते हैं, वी नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्रोजन फूड, ताकि हम लोगों को फ्रेश सर्व किया जाए। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और झकास फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आपसे जिस ब्रांड की बात करने वाला हूं, उस ब्रांड की अवेलेबिलिटी 11 अलग अलग कंट्रीज में है, लगभग 400 फ्रेंचाइजीज इनकी ऑलरेडी रन कर रही हैं, और अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में अहमदाबाद से शुरू हुए इस ब्रांड की आज 20 से ज़्यादा स्टेट्स में फ्रेंचाइजीज हैं। हर वर्ग के लोग इसे पसंद करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे, यंगस्टर और बुजुर्ग भी इसे पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस ब्रांड का नाम तो आप भी बोलेंगे वाओ। दोस्तों इस ब्रांड का नाम है द चॉकलेट रूम, और जैसे नाम में ही चॉकलेट आ रहा है तो यहाँ पर चॉकलेट से बनी हुई बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आपको टेस्ट करने के लिए मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल्स में इनकी फ्रेंचाइज मिलेंगी, और आप इनकी फ्रेंचाइजी कस्बे में भी खोल सकते हैं और बड़े से बड़े शहर में भी इनकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा रन कर रही है। तो बेसिकली क्या है द चॉकलेट रूम, आपको यहां पर क्या क्या टेस्ट करने के लिए मिलेगा, और क्या क्या इनका फ्रेंचाइजी मॉडल है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितनी आरओआई आएगी, कितने समय के लिए एग्रीमेंट होने वाला है, इन सब विषयों में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में होंगे द चॉकलेट रूम के असिस्टेंट डायरेक्टर धवल शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे द चॉकलेट रूम क्यों पसंद है लोगों की, किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने एक फ्रेंचाइजी से 3 फ्रेंचाइज का सफर शुरू किया, और कैसे द चॉकलेट रूम 15 सालों में एक आउटलेट से आज 400 आउटलेट के लगभग तक पहुंच चुका है, और अब आप भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं द चॉकलेट रूम के साथ। तो दोस्तों स्टूडियो में मैं इनवाइट करूं धवल शुक्ला जी को, उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए हम बहुत सारे नए और जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहीं लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों सीधा हम इनवाइट करते हैं धवल जी को और जानते हैं इस बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं धवल शुक्ला जी का, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द चॉकलेट रूम। जैसे कि मैंने आपको बताया चॉकलेट रूम, जिसके कि आपको एक एक मेन्यू बहुत ही सरप्राइज करने वाला है, आज हम जानेंगे इसकी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में और ये हमें बताएंगे धवल शुक्ला जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये चॉकलेट रूम, नाम में बड़ा मजा आ रहा है सुनकर, तो ये चॉकलेट रूम क्या है, ये कब शुरुआत हुआ, और इसकी स्टोरी आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर। ओके, मैं इसमें बताना चाहता हूँ सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। चॉकलेट रूम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइजी फर्म है, जो कि इंडिया में 15 साल पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। okay. इस 15 साल में हमारा जो कंपनी का नेटवर्क है वो मोर देन 350 प्लस फ्रेंचाइजी के साथ हम रन कर रहे हैं। wow. जिसमें कंपनी की कुछ स्टोर्स जो कि हम स्टोर अहमदाबाद और नियर बाय रीजन में हम रन कर रहे हैं, बाकी सभी डेवलपमेंट फ्रेंचाइजी खुद अपना कर रही हैं। ओके। और यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि हम जो आज डेवलप हो चुके हैं मार्केट में, जो हमारा चॉकलेट फूड है, चॉकलेट ड्रिंक्स हैं, कन्फेक्शनरी है, और साथ ही साथ चॉकलेट के फूड प्रोडक्ट रिटेल आउटलेट्स हैं, इस तरीके से हमने पूरा एक्सपांशन को कवर अप कर लिया है इंडिया और 11 कंट्रीज में। तो बेसिकली अभी आप 11 कंट्रीज में हैं, 350 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ जी, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा द चॉकलेट रूम, इसमें आप क्या क्या सर्व करते हैं, आपका मेन्यू क्या क्या होता है सर? ओके, तो सर इसमें जो हमारे मेन्यूज हैं वो जैसे नाम में ही रखा है द चॉकलेट रूम, सो चॉकलेट रिलेटेड तो हमारे बेसिक मेन्यू है, बिकॉज जब कंपनी स्टार्ट हुई थी इट्स काइंड ऑफ अ डेजर्ट पार्लर, बट स्लोली ग्रेजुअली हमने जब लर्न किया, मार्केट में स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करी, हमने उसमें कन्फेक्शनरी आइटम एड ऑन करे, उसमें चॉकलेट की वैरायटी, भिन्न भिन्न वैरायटी उसमें लेके आए। आपने टेस्ट में भी देखा होगा तो हमारा जैसे गुलकन चॉकलेट्स हैं, रबड़ी चॉकलेट है, रसगुल्ला चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो फ्लेवर्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट है, और यही क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, मेन्यू के साथ साथ भी, कि जिसको एक वाइड वैरायटी ऑफ मेन्यू है, 250 प्लस आइटम्स का मेन्यू है। ओके। यदि देखने जाएं तो ये काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट है, बट वी आर कमिंग अंडर द बिस्ट्रो कैफे डेजर्ट कैटेगरी आल्सो टू, एंड बिस्ट्रो कैफे टू।
तो यहाँ पर आपका बेकरी भी है इसमें, क्या क्या चीजें हैं इसमें? जैसे कि मैंने आपका पूरा मेन्यू देखा तो कैफे भी मैंने देखा इसमें, कैफे भी है और बेकरी मतलब केक्स पेस्ट्रीज ये सब चीजें भी हैं। तो चॉकलेट में तो आपको बहुत सारी वैरायटी की चॉकलेट मिलेगी ही मिलेगी, आपको सुनकर ही मजा आ जाएगा जब आप इनका मेन्यू देखेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीछे स्क्रीन पर। इनका पूरा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा और नियर बाय अगर आपके कहीं स्टोर है तो वहां पर जाकर आप टेस्ट तो जरूर कर ही लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैफे भी है साथ साथ में आपको पूरी बेकरी मॉडल भी मिलना है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो जब कोई बिजनेस लेगा तो उसे मिलेगी सर, क्या क्या चीजें मिलेगी? ओके सर, एक छोटा सा इसी में एक दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। बीइंग अ गुजराती फर्म एंड बीइंग अ गुजरात फर्म, बिजनेस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड था हमारे फंडामेंटल्स में। सो हमारे ऑनर मिस्टर विकास पंजाबी एंड मिस्टर एलसी कुमार, दे थॉट टू स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम अहमदाबाद। एक बिजनेस हब है जहाँ पर हर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके माइंड में यही आता है कि नौकरी करने के पहले वो एक बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं वहाँ पर सारे, बिल्कुल लोग रहते हैं, और यही एक कंसेप्चुलाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया। सो इट्स अ सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। जब मिस्टर विकास पंजाबी और मिस्टर एलसी कुमार, दे बोथ आर अ गुड फ्रेंड एंड दे हैव थॉट कि हम एक बिजनेस चालू करते हैं, उन्होंने चॉकलेट रूम मास्टर फ्रेंचाइजी उन्होंने बाय करी, उन्होंने चॉकलेट रूम बाय किया, वहां से फिर उन्होंने पूरा मार्केट को कैप्चर किया। ओके, इंडिया से उन्होंने चालू किया सर, और अभी 11 कंट्रीज तक उन्होंने मार्केट फैला दिया है इस टाइप से सर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमने आपका मेन्यू जाना, हमने जाना कैसे शुरू हुई ये कंपनी, आपकी यूएसपी क्या है कि लोग जब आपके 350 से ज़्यादा कैफेज हैं वहाँ पर आते हैं तो क्या पसंद करते हैं और क्या खास बातें हैं जो आपके बारे में कहते हैं? ओके, तो सर बेसिकली यदि मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट के एंगल अलग अलग हैं। बिल्कुल, मैं दोनों को ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कंज्यूमर पॉइंट पे जाऊँ तो जो टारगेट ऑडियंस आप देखते हैं, जैसे कि हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है टारगेट क्या है। तो यहाँ पर एक 5 साल के बच्चे से लेकर 70 से 80 साल का बूढ़ा भी चॉकलेट एंजॉय करता है। बिल्कुल, यदि मैं आपके घर और मेरे घर की बात करूँ तो 90% से ज्यादा लोगों के घर में आज की डेट में चॉकलेट अवेलेबल होंगी। हाँ जी, और ये उनके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो मिल्क में जाए, व्हाइट चॉकलेट में जाए या डार्क चॉकलेट में जाए, ये डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ सर, आप बिजनेस, ये तो हमारी जो वैरायटीज ऑफ मेन्यू है, जैसे कि इसमें चॉकलेट बॉम्ब्स आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, टी कॉफी, ये तो एक कॉमन कल्चर है ही मार्केट में, बट हमने एक नया कल्चर इनकॉर्पोरेटेड किया है, वो है चॉकलेट, हॉट चॉकलेट का। बहुत सारी शॉप्स आपने देखी होंगी जो टी कॉफी लवर्स ही वहाँ पर आपको मिलते हैं, बट वी हैव अ हॉट चॉकलेट लवर्स। हॉट चॉकलेट लवर्स एक अलग अलग रेंज के लोग होते हैं जिसमें कि उनको एक टेस्ट ऑफ चॉकलेट उनको पता है इस टाइप से, और वो वी आर द हाईएस्ट सेलर इन द मार्केट विद द डिफरेंट 14 वेराइटीज ऑफ चॉकलेट, जैसे कि हेजलनट आ गया, टिरामिसू आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया, डार्क चॉकलेट की हॉट चॉकलेट्स होती हैं। वी सर्व विद द ऑथेंटिसिटी से हम उसे सर्व करते हैं विद द कडल मग। एक हमारा जो कटलरीज है वो भी इस टाइप से है कि जब कोई भी हमारे कंज्यूमर अंदर आते हैं तो वो जब मेन्यू देखते हैं तो उनको कटलरी भी उनको अट्रैक्ट करती है। ओके, सो वो हमने मोनोपोली फ्रॉम द डे फर्स्ट से क्रिएट करके रखी हुई है कि ये सभी जगह पर आपको सिमिलर मिलेगी, सभी जगह पर आपको टेस्ट सिमिलर मिलेगा। अब जैसे कि मैं एक बच्चों की बात करूं, हम अपने बच्चों को एक ऐसे खुले वातावरण में ले जाना चाहेंगे, वो चॉकलेट रूम को सबसे पहले प्रेफर करता है क्योंकि उसको चॉकलेट के फूड खाना है। अभी बच्चों में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और बच्चे जो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आई विल शेयर दैट वीडियो टू, यस प्लीज, वो है चॉकलेट बॉम्ब। चॉकलेट बॉम्ब, जी हाँ, वो चॉकलेट बॉम्ब है। एक जैसे कि आजकल बॉम्ब सभी को पसंद है, तो उसी प्रकार चॉकलेट एंड बॉम्ब दोनों को पसंद है, तो बच्चों में ये क्रेज आ चुका है, और इवन द यंगस्टर ऑल्सो, इवन द एल्डर पीपल ऑल्सो, चॉकलेट के बॉम्ब को ऊपर से पोर किया जाता है और वे लोटस की तरह खिलता है, और अंदर उसमें फिर उसके डेजर्ट्स जो हमने, हमारे शेफ ने जो क्रिएट करे हुए, वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आज के डेट में, हॉट चॉकलेट प्लस चॉकलेट बॉम, देन सिजलर्स, चॉकलेट सिजलर्स, जैसे आपने सिजलर्स खाए होंगे, वी हैव अ चॉकलेट सिजलर्स। आप पिज्जा खाते हैं, हमारे पास चॉकलेट पिज्जा है, आज से नहीं 15 साल से बेच रहे हैं सर। सो ये यूनिक कंसेप्ट है बेस्ड ऑन अ चॉकलेट, दो ऑफकोर्स बाकी की भी वेराइटी आपको देखने मिलती है जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, एंड वी आर वेरी फेमस इन ड्रिंक्स, सो दैट्स वाई पीपल चूज अस एज अ कंज्यूमर माइंड, पीपल आर रियली लव्ड।
तो बेसिकली फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर जब कोई व्यूअर आता है तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि मुझे कोई बिजनेस लेना है, मुझे कोई फ्रेंचाइजी के बारे में जानना है। और आज जो मैं जिस फ्रेंचाइजी के बारे में बता रहा हूँ 11 कंट्रीज में और लगभग पूरी इंडिया को इन्होंने कवर किया हुआ है, 350 से ज्यादा स्टोर्स इनके ऑलरेडी ओपन है और कई कई सालों से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में ओपन हुए हैं, कुछ कुछ स्टोर्स तो इनके 15 सालों से चल रहे हैं, तो हम उन स्टोर्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप द चॉकलेट रूम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सर आपका फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या आपका बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में सर बताएं लोगों को। ओके सर, आपके व्यूअर्स और जो लोग चॉकलेट रूम को पसंद करते हैं और जो आपके चैनल को पसंद करते हैं, वो यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी चूज दिस प्लेटफॉर्म, कि हम आपके जितने व्यूअरशिप है उन सब तक हम पहुंचे और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करें, एक फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, बट वो फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट लवर्स भी होने चाहिए। चॉकलेट लवर तो मैक्सिमम लोग हैं, मतलब चॉकलेट किसको पसंद नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। जी जी, चॉकलेट सभी को पसंद है, और उसके मेडिकल प्रॉब्लम के लिए सर वी हैव अ शुगर फ्री चॉकलेट्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। सो जो सबसे ज्यादा फैमिलीज जो कि बुजुर्ग लोग हैं, वो शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री बार चॉकलेट्स, we have sugar free cakes is also available in our chocolate। तो वो भी आपके पास सबसे बड़ी यूएसपी है आज के दिन। इंडिया और पूरी वर्ल्ड में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हो गए हैं, तो वो अगर चॉकलेट खाना चाहते हैं, द चॉकलेट रूम आपके लिए एक ऐसा मार्क होना चाहिए जहां पर आपको जाना ही चाहिए। आप अपनी जिंदगी एंजॉय करें, लाइफस्टाइल डिजीज है लेकिन आप उसका भी तोड़ निकाल चुके हैं, वहां पर भी आप उन्हें बड़े कैटर कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट। तो ठीक है, अब बिजनेस मॉडल के बारे में सर बात करेंगे। बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताता हूँ, हमारे 3 मॉडल हैं सर। पहला है कियोस्क मॉडल, दूसरा है कॉम्पैक्ट मॉडल और तीसरा है स्टैंड अलोन मॉडल। लेट्स स्टार्ट विद कियोस्क मॉडल। क्या फर्क है वैसे इन तीनों मॉडल में, मैं आपको उसी में गाइड करना चाहूंगा सर। कियोस्क मॉडल सर एक टेक अवे काउंटर होता है। ओके, और चूंकि हम 350 के नेटवर्क को पार कर चुके हैं और वी आर समवेयर लाइक 390 समवेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 400 होने वाले हैं आपके, अबाउट टू बी, आई थिंक सो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ वी आर अबाउट टू बी फाइनलाइज अवर 400, वी क्रॉस 400 नंबर्स टू। वाओ, ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गुड कंज्यूमर एंड द गुड फ्रेंचाइजी व्हाट वी हैव इन द मार्केट। ओके, तो सर कियोस्क के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कियोस्क में क्या होता है सर, एक ऐसा बंदा जो कि उसका इन्वेस्टमेंट उतना करना है उसको, जो कि ट्रायल एरर में उसको आगे चलना है। जैसे कियोस्क हो गया, वो एक पार्लर हो गया, एक छोटा पार्लर 300-400 स्क्वायर फीट में वो अपनी दुकान चालू कर सकता है, वो भले बड़ी सिटी से हो या वो छोटी सिटी से हो, इट डज नॉट मैटर टू अस एज अ कंपनी। यदि वो आज हम यदि मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, वी आर देयर इन मिजोरम, वी आर देयर इन असम, अ सिटी लाइक सिलचर, मणिपुर में हम लोग हैं, आइजोल में है, तो ये सब हम लोग पूरा मार्केट को कवर अप कर चुके हैं, छोटे छोटे गांव तक हम पहुंच चुके हैं। कियोस्क का बेसिक ये कंसेप्ट है सर कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट में 15-20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में वो अपनी मनचाही शॉप को ओपन कर सकता है। ठीक है, मेन्यू ऑफकोर्स क्योंकि जगह उतनी बड़ी नहीं रहती इसलिए हम वाइड मेन्यू नहीं दे सकते, पर हमारी जितनी यूएसपी होती है वो सब उस कियोस्क पर मिलेगी, ताकि किसी भी इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने छोटी इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे छोटे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए सभी इन्वेस्टर बराबर है, कियोस्क ले, कॉम्पैक्ट ले या स्टैंडअलोन मॉडल। तो कियोस्क में जैसे कि सर ने बताया 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, 300-400 स्क्वायर फीट के इलाके में आप आसानी से कियोस्क मॉडल ओपन कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद जानते हैं हम कॉम्पैक्ट मॉडल के बारे में। कॉम्पैक्ट मॉडल के बारे में सर बताएं। सर बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द कॉम्पैक्ट मॉडल, दोनों में कंपैरिजन बताएं। हाँ जी बिल्कुल, कियोस्क में किचन नहीं होता, एक काइंड ऑफ सर्विस काउंटर क्रिएट किया जाता है और वहीं पर वो सर्विस प्रिपेयर करते हैं, जैसे टी कॉफी एंड अदर शेक्स एंड डेजर्ट, और वो फ्रंट में कस्टमर को सर्व कर देते हैं। दिस इज कियोस्क, और कॉम्पैक्ट मॉडल में 100-125 स्क्वायर फीट का हम किचन क्रिएट करते हैं। अलग से किचन होगा, एक अलग से किचन क्रिएट किया जाता है। जब किचन होता है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड प्रॉपर वर्किंग होती है और उसमें इक्विपमेंट्स भी आपके बढ़ जाते हैं, इस कारण से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। इसलिए वो 30-35 लाख रुपीज तक जाता है, और 500-600 स्क्वायर फीट या 700 स्क्वायर फीट छोटे छोटी सिटीज में, क्योंकि एक अच्छे रेंटल पे लोगों को जगह मिल जाती है, तो कंपनी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी। और हमारे एक सिंपल फंडामेंटल रहता है कि यदि कॉम्पैक्ट भी कर रहा हूँ तो भी उसमें इतनी फैसिलिटी उसको दी जाए ताकि वो अपने आप को सक्सेसफुली एंटरप्रेनर अपने आप को बना पाए, ताकि उसके माइंड में ये ना हो कि वो स्टैंड अलोन मॉडल नहीं कर पाया। सो कियोस्क और कॉम्पैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये है, और ऑफकोर्स मेन्यू आपका बढ़ जाता है क्योंकि कियोस्क बढ़ जाते हैं, इसमें कंपनी आपको शेफ प्रोवाइड करती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है,
और ऑफ कोर्स अंडर देयर एम्प्लॉय, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, वो उनके सैलरीज और आपको पे करनी है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लोगों को कि उन्हें स्टाफ नहीं मिलता है। जी जी हाँ सर, तो वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज सर हमारा नेटवर्क इतना वास्ट है, क्योंकि आप भी जानते हैं सर, इट्स ऑल अबाउट द रेफरेंस मार्केटिंग। हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस मार्केटिंग, ऐसा ही नहीं कि हमारी फ्रेंचाइजी आपस में भी एक दूसरे को इनकॉर्पोरेटेड करते हैं। बच्चों में यदि एक ऐसा इनकॉर्पोरेटेड उनके साथ किया जाता है कि वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, कंपनी उसके साथ खड़ी रहती है। जैसे वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ इवेंट ऑफ ब्रूइंग इवेंट, जहाँ पर हम फ्रेंचाइजी और नॉन फ्रेंचाइजी जितने भी हमारे कंपनी के स्टोर्स हैं उसमें ब्रूइंग इवेंट्स करते हैं, लोगों में स्किल्स डेवलप करते हैं, इस टाइप से भी हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कॉम्पैक्ट मॉडल के बारे में, जहाँ पर कि आपको 500 से 700 स्क्वायर फीट का आपको एक स्पेस चाहिए होता है, 30 से 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, और यहाँ पर आपको अलग से किचन भी मिलता है जिसमें आपके कुछ इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं, इसी वजह से थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और यहाँ पर आपका मेन्यू भी बड़ा हो जाता है। तो ये इनका है कॉम्पैक्ट मॉडल। नाउ इनका जो सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है, और जब आप इनके स्टैंड अलोन आउटलेट में जाएंगे तो उन्हें आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है द चॉकलेट रूम का स्टैंड अलोन मॉडल। सर क्या है सर ये, सर बताइए सर। ओके सर, सो सर जैसे हमने कियोस्क देखा उसमें कुछ डिफरेंस था, फिर हम कॉम्पैक्ट में आए। हाँ जी, आप देखेंगे कि ये एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते जाते हैं। सो बट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो रिटर्न भी उस हिसाब से आपको निकल के आता है। और ये एक जब आपको देखने मिलता है, जब इंडिया इज इट्स अ डिफरेंट कंट्री, यहाँ पर बहुत विभिन्न किस्म के त्यौहार व्रत ये सब बनाए जाते हैं, और जब लोगों को सेलिब्रेशन अब समझ में आ गया है, सो जब वो जाते हैं तो दे वांट सम ओपन एटमॉस्फेयर आल्सो, उन्होंने एक अच्छी जगह चाहिए रहती है। तो कंसेप्चुलाइजेशन देखने जाएं तो जो लोग बड़ा स्टोर करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। हाँ जी। और उतना ही बड़ा उनको प्रॉफिट मार्जिन भी अवेलेबल होता है। स्टैंड अलोन मॉडल में सर मैक्सिमम आपका बेकरी इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, हम उसमें बेकरी को आपके साथ में देते हैं ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप कर पाए, और उसमें राइस बेस्ड आइटम उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे सिजलर्स हो गए, उसके बाद उसका मैक्सिकन इटालियन चाइनीज हम उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है क्योंकि आपका किचन जैसे कि कॉम्पैक्ट मॉडल में 100 से 125 स्क्वायर फीट का होता है, स्टैंड अलोन मॉडल में हम 200 से 250 स्क्वायर फीट का किचन बना सकते हैं, और उसमें वो जितना बड़ा किचन होता है उतने लोगों की जरूरत भी होती है, और इस तरीके से वो फूड को डिलीवर कर पाते हैं। द बेस्ट USP इन ऑल द 3 मॉडल इज इंक्लूडिंग द स्टैंड अलोन मॉडल, हम लोग फ्रेश फूड बनाते हैं, वी नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द फ्रोजन फूड, वी आर नॉट इन टू द फ्रोजन। बहुत चल गया आजकल ना सब लोगों के यहाँ किचन, पूरा किचन होता है और सारा फूड उसके अंदर ही होता है पहले से। सो वी नॉट बिलीव इन द फ्रोजन फूड, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ अवर डायरेक्टर व्हाट SOP हमने जो क्रिएट करी हुई है उसमें हम फ्रोजन फूड को ज्यादा यूज नहीं करते हैं सर, ताकि हम लोगों को फ्रेश सर्व किया जाए। हमारे मेन्यू में लास्ट में एक लाइन भी लिखी हुई रहती है, यू हैव टू बी इंजॉय द एटमोसफियर इन दिस 15-20 मिनट एंड यू नो अडोर द फ्लेवर ऑफ चॉकलेट। वाह, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होगी और कितना एरिया स्क्वायर फीट आपकी रिक्वायरमेंट होगी? सर स्टैंड अलोन मॉडल में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 50 से 55 लाख रुपए तक का होता है, जो कि 800 से ऊपर वाले जो मॉडल है स्क्वायर फीट के जो मॉडल्स हैं, क्योंकि उसमें 200 स्क्वायर फीट आपका चला जाता है किचन में, 600 स्क्वायर फीट बचता है उसमें आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। सो 1200-1500 स्क्वायर फीट तक के जो स्टोर्स होते हैं वो स्टैंड अलोन मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ बताएंगे आप कहां पर हैं, आपको कुछ स्टैंड अलोन मॉडल्स और कितने स्क्वायर फीट में हैं? जी मैक्सिमम हमारे स्टैंड अलोन मॉडल ज्यादा पसंद किए जाते हैं, छोटे छोटे विलेज में भी हमारे स्टैंड अलोन मॉडल है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, उत्तराखंड में एक सिटी है, नैनीताल है, रुद्रपुर है, ये दोनों जगह हमारे स्टैंड अलोन मॉडल है, और इट्स काइंड ऑफ अ फेरी टेल व्हाट रुद्रपुर पीपल हैव मेड इट। इट्स अ बिगेस्ट स्टोर, आपको 4,500 स्क्वायर फीट में कंपनी 4,500 स्क्वायर फीट में आपका स्टैंड अलोन मॉडल हमने उन्हें वर्कआउट किया। सिटी लाइक चंडीगढ़ हमारी लॉन्च मॉडल और स्टैंड अलोन मॉडल कैटेगरी में आते हैं, वहां पर भी हमने 3,000-4,000 स्क्वायर फीट में स्टोर ओपन करे हैं। दिल्ली की बात करें तो हम वसंत विहार में है सर, और यदि हम साउथ की बात करें तो हाईटेक सिटी हैदराबाद में है, माधवपुर में है, इतने हमारे स्टोर्स वहाँ पर भी हैं, और अलग अलग वैरायटीज के स्टोर्स आपको देखने मिलते हैं। स्टैंड अलोन के ऊपर भी हमारे मॉडल्स हैं जिसको हम लॉन्च मॉडल कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट मॉडल बट इनकॉर्पोरेटेड विद द स्टैंड अलोन मॉडल, बेस उनका स्टैंड अलोन मॉडल होता है सर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहे हैं, कियोस्क,
कॉम्पैक्ट एंड स्टैंड अलोन, और यहाँ पर कंपनी का जो स्टैंड अलोन मॉडल की रिक्वायरमेंट है वो 800 स्क्वायर फीट से बड़े स्टोर की है, लेकिन यहाँ पर 4,000-4,500 स्क्वायर फीट में भी लोग ओपन कर रहे हैं क्योंकि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और जानते हैं कि कंज्यूमर यहाँ पर आएगा, कस्टमर आएगा और उसे यही एटमोसफेयर पसंद आएगा और इसी वजह से बार बार कस्टमर आएगा। किसी भी बिजनेस की जो जीत होती है वो होती है रिपीटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर सर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूँगा, एक बहुत लंबा समय होता है 15 साल का, 15 साल में कई सारे ब्रांड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन आपकी सक्सेस स्टोरी चलती जा रही है जी सर, और इसके पीछे रिपीटेड कस्टमर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा, तो आपके जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस रहता है वो कैसा रहता है और रिपीटेशन रेशियो क्या रहती है सर आपके यहाँ पर, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। ओके सर, अगेन सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर हमारे लिए अलग है, वो हम उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, और जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोगों में इतना सहारा गया है तभी हम इतने बड़े नेटवर्क को कवरअप कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि 250 से ज़्यादा मेन्यू है, हम एक टेबल में 4 या 5 आइटम से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। हाँ जी। और हर एक यूनिक प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को प्रॉपर टाइम देके डिज़ाइन करके प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और उसके बाद कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। जो कस्टमर है वो मोर देन आपको 50% और 60% हमारे कंज्यूमर रिटर्न कस्टमर होते हैं। ओके। पर यही मैं फ्रेंचाइजी की बात करूँ तो एक फ्रेंचाइजी के पास अपने जो हमने हमारा जो एवरेज फ्रेंचाइजी जो क्राइटेरिया है 350 प्लस का, उसमें हर फ्रेंचाइजी के 2-2, 3-3 स्टोर होते हैं। देखिए, एक फ्रेंचाइजी जब एक बिजनेस को चलाना और हमें हमारी कंपनी को लर्न करना वो सीख चुका है, कंपनी के साथ वो एडजस्ट होकर कंपनी के साथ वर्किंग करना सीख गया है, हमारी मेथोलॉजी वो समझ चुका है, तो वो जरूर दूसरा इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरे से वो तीसरा करता है। इस तरीके से वो अपनी सिटी को धीरे धीरे करके कवर अप करते हैं। तो बेसिकली वो एक तरीके से सिटी का मास्टर फ्रेंचाइजी बन गया। हाँ, इनडायरेक्ट वे हमने विदाउट पेमेंट लिए उससे मास्टर फ्रेंचाइजी जैसा बना दिया। बिल्कुल, जब आप एक सिटी की बात करो, सिटी में उसी के अकेले स्टोर्स हैं, तो बेसिकली वो सिटी का राइट तो उसके पास आ ही गया इनडायरेक्टली, नॉट ऑन पेपर्स। तो सर, ROI और रॉयल्टी क्या रहती है सर आपकी, आप कितना रॉयल्टी चार्ज करते हैं फ्रेंचाइजी से? ओके, 8% हमारी रॉयल्टी है जिसको हम पर मंथ कंज्यूम हमारे फ्रेंचाइजी से चार्ज करते हैं। उसके बाद जो उनका जो इन्वेस्टमेंट बचता है वो उनका फुल प्रॉफिट रहता है। फुल प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पर कितना ROI निकल कर आ जाता है अगर हम बात करें कियोस्क के, कॉम्पैक्ट के या फिर स्टैंड अलोन बिजनेस मॉडल की? ओके, तो सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम ROI कहते हैं, हमारी जो टेन्योर वाइज यदि मैं बताना चाहूँ तो टेन्योर हमने देखा हुआ है कियोस्क में 2-2.5 साल में वो कवरअप कर लेता है, कॉम्पैक्ट और स्टैंड अलोन मॉडल को उसको 3 साल लगते हैं सर। चूंकि ये ऐसे सेट फिगर्स हैं जो हमने 15 साल में एक्सपीरियंस करे हुए हैं, तो कुछ फ्रेंचाइजी जो कि एक अपने आप को बहुत इनोवेटिव तरीके से मार्केट में रखती है खुद, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी डेवलप होती है फ्रेंचाइजी में, तो वो उन्होंने 1.5 साल में भी कवरअप कर चुका है। ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गांधीधाम है, यहाँ पर वाटिका है, गुड़गांव वाटिका है, देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल इन साउथ, देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल इन गुजरात मार्केट, जहां पर लोगों ने 1.5 से 2 साल में कवर अप कर लिया है। तो यहां पर अब आता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टर्म क्या है और साथ ही साथ उन्हें कितनी फ्रेंचाइजी फीस पे करनी पड़ती है। क्या तीनों मॉडल में अलग अलग फ्रेंचाइजी फीस है? हाँ, या फिर तो क्या कितनी फ्रेंचाइजी फीस है और कितना फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टर्म होता है सर? देखिए सर, चूंकि इसके साथ एक गुडविल इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी की और एक ऑस्ट्रेलियन ये फर्म है और इसको इंडिया में इतना बड़ा हमने मार्केट बढ़ा लिया है, कियोस्क की जो हमारी फ्रेंचाइजी फी है वो 5 लाख प्लस GST है, कॉम्पैक्ट मॉडल की फ्रेंचाइजी फी है वो 10 लाख प्लस GST और स्टैंडर्ड मॉडल की जो फ्रेंचाइजी फी है वो 15 प्लस GST है सर। ओके, जो 5 लाख है वो कियोस्क के है जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 15 से 20 लाख होता है। इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है बेसिकली फ्रेंचाइजी फीस में इंक्लूड, जो बेसिकली सर ने इन्वेस्टमेंट बताई है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्रेंचाइजी फीस, आपके इक्विपमेंट, इंटीरियर, सब चीजें इंक्लूड है। वो डिपेंड करेगा आपके कितना इंटीरियर आप करवा रहे हैं, कितना बड़ा साइज है और आप कहाँ पर लोकेटेड हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। फिर उसके रेट अलग होते हैं सर, रेंटल उसका अलग अलग होता है, तो वो सब कंपनी उसमें अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करती है फ्रेंचाइजी को। बिल्कुल, तो यहाँ पर एग्रीमेंट टर्म क्या होता है, कितने साल के लिए एग्रीमेंट होता है आपका? ओके, तो बेस्ट पार्ट सर, जो जब से हमारी कंपनी चालू हुई है 2007 से, हाँ जी, आज तक हमने वो जो टर्म से कभी चेंज नहीं करी, हम लोग 1 time lifetime फ्रेंचाइजी फी उनसे लेते हैं। मतलब 1 time देनी है, बार बार नहीं देनी है? बार बार नहीं देनी है सर, बट एज पर द फ्रेंचाइजी टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन आप भी जानते हैं कि एवरी 5th year उसको रिन्यू करना पड़ता है, वो रिन्यूअल कॉस्ट उसमें रहती है 10% ऑफ द रिन्यूअल कॉस्ट। ओके, जैसे कि 5 लाख हुआ तो उसका 50,000 रुपये 10% रिन्यूअल कॉस्ट होती है सर। अगले 5 साल जब 6वां साल आता है उसको अपने आप को रिन्यू करना है,
उनसे हम कंपनी पूछती कि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, वो बोलता है नहीं नहीं डेवलप करना चाहते तो उसे 50,000 रुपीस पे कर देना रहता है, और डेवलप करना चाहते हैं तो भी वो एग्रीमेंट को डेवलप कर सकता है। मतलब एक कियोस्क कॉम्पैक्ट बन सकता है, एक कॉम्पैक्ट अपने आप को स्टैंडअलोन मॉडल बना सकता है, स्टैंडअलोन मॉडल अपने आप को लॉन्च मॉडल बना सकता है। अब यहाँ पर बात आती है, जब कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो उसकी सोच ये रहती है कि मुझे कंपनी की तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग अपनी फ्रेंचाइजी की हेल्प कैसे करते हैं, उन्हें क्या क्या सपोर्ट करते हैं सर? ओके, सो सर टॉप टू बॉटम हम सभी प्रकार के उसको सपोर्ट्स करते हैं, जैसे कि फाइंडिंग अ राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज अ मेन थिंग, बिकॉज सर कोई भी बिजनेस चालू होगा सही जगह पर नहीं हो। सिंपल फंडामेंटल है मार्केटिंग का, 4 P's का, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन का, हम वही फंडामेंटल को लेके चलते हैं। उनके साथ प्राइस भी हमारा सिटी स्पेसिफिक होता है, आपको हमारे जो मेट्रो के प्राइस है वो अलग है क्योंकि वहां पर बाइंग कैपेसिटी अलग होती है। हाँ जी। तो ये सब जो R&D करना है उस जगह को लेकर, उस फ्रेंचाइजी को लेकर, वो हम उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है ताकि जो भी कमिटमेंट किए गए वो उसे डिलीवर किए जाए, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, अभी बेसिकली मैं जब आपका इंस्टाग्राम और आपके सोशल मीडिया चेक कर रहा था आपसे बात करने से पहले, उस समय मैंने देखा कि आपको कई सारे अलग अलग अवार्ड भी मिले हुए हैं, तो उन अवार्ड के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जी सर, चूंकि ये करंट ईयर चल रहा है, मुझे करंट बाकी 15 साल में तो हमने बहुत सारे 13 और 15 अवार्ड्स हमने अर्न करे हुए हैं, बट जो रिसेंटली 2 अवार्ड है मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। एक ऑलमोस्ट 1 month पहले हमें बेस्ट डेजर्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, और जिसमें हमने वन किया हुआ है बेस्ट डेजर्ट पार्लर इन इंडिया। सिमिलरली अभी रिसेंटली कुछ डे बिफोर यस्टरडे वी हैव वन द अवार्ड अगेन द बेस्ट डेजर्ट एंड कन्फेक्शनरी पार्लर इन इंडिया मार्केट। तो हम अपने मार्केट को जिस तरीके से कैटर कर रहे हैं डेजर्ट एंड कैफे पार्लर कैटेगरी में, हम उस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। तो बेसिकली अभी आप पैन इंडिया अपने आप को ओपन करना चाहते हैं या कुछ लिमिटेड सिटीज में आप अपने लिए एक्सपेंशन? सर, वी आर ओपन फॉर ऑल द सिटी, वी आर ओपन फॉर ऑल द विलेजेस, वी आर ओपन फॉर ऑल द कस्बा, अच्छा तालुका, जितने भी किस्म के हैं, हम सब जगह पर, जहां पर लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं, जहां पर लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं, और इंडिया इज अ बिगेस्ट मार्केट, और इस तरीके से हम मार्केट को जाना चाहते हैं। यदि वो हमारे साथ काम करने के लिए एग्री है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी सिटी में लाना चाहते हैं और वो कल्चर देना चाहते हैं सिटी को, आई थिंक सो दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो लोग कैसे कनेक्ट करें, कैसे आपके फ्रेंचाइजी ले सर? बिल्कुल सर, उसी रीजन से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आपका हमने यूट्यूब चैनल देखा था और हमने ये देखा कि आप अपने माध्यम से लोगों तक जाते हैं और सिंपलिसिटी से बताते हैं, हमें भी वही चाहिए था, उसी सिंपलिसिटी में हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। आपको वो डायरेक्ट नीचे दिए हुए नंबर पे वो कोऑर्डिनेट करें और हम तक वो पहुंचे और एक वर्कआउट उसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो बेसिकली आज आपने जाना द चॉकलेट रूम फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में, और आपने अगर अभी तक इनकी चॉकलेट के प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं किए हैं तो 350+ लोकेशंस में अवेलेबल हैं, आप वहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया बिजनेस सर्च कर रहे हैं तो रियली एक बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है, क्योंकि बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो लॉन्ग टर्म तक चले। और आप देखेंगे इस कंपनी की जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने आप को नर्चर किया है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि आउटसाइड इंडिया भी इन्होंने 11 कंट्रीज में अपने स्टोर्स ओपन किए हैं और इंडिया में 20 से ज़्यादा स्टेट्स में ये अवेलेबल हैं। तो इससे ज़्यादा इनके बारे में मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। नाउ आप बताएं कि आपको आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सीधा हमारा नंबर आपको दिया गया है, आप सीधा कॉल करिए, बात करिए, हमसे मिलने आइए। हम दिल्ली में बेस्ड हैं, दिल्ली में आप हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं, सर का नंबर है, अहमदाबाद बेस्ड हैं, आप वहाँ भी मिल सकते हैं, और नियर बाय जहाँ पर भी द चॉकलेट रूम अवेलेबल है वहाँ पर आप इन्हें टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी कन्विक्शन ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो सर लास्टली मैं चाहूँगा अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि वाई चॉकलेट रूम और क्या खास होने वाला है उनके लिए। जी सर, चूंकि हमारे बहुत सारे इसमें कंज्यूमर भी इस वीडियो को देखेंगे और एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी उस वीडियो को देखा जाएगा सर। हाँ जी। सो मैं एक ही सिंगल लाइन में ये कहना चाहूंगा ऑन फॉर ऑल द इन्वेस्टर दोज हु आर सीइंग अस, कि यदि आपको एक बिजनेस में 3 बिजनेस वर्टिकल्स वाले आपको चाहिए तो आई थिंक सो दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी। आपको कैफे भी मिलेगा इसमें, कन्फेक्शनरी मींस बेकरी भी मिलेगी, और आपको रिटेल पार्लर भी चॉकलेट बेस का इसमें मिलेगा। एक इन्वेस्टमेंट में उन्हें 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई थिंक सो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।